वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एमएचएस के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट है, उनका एग्जाम कब होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। ये वीडियो में आगे जाके आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई देगा, जिसमें प्रवीण राडे सर, अजित पाठक सर से बात करते हैं। जो भी आपका मन में क्वेश्चन होगा, उसका आपको क्लियरिटी मिलेगा। ओके, तो डेफिनेटली वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग का देखते हो एक दो मिनट, और आपका जो आंसर होता है वो एंड में होता है। तो एक बहुत ऐसा न्यूज फैल रहा है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम, सेकेंड ईयर का एग्जाम या थर्ड ईयर का एग्जाम, जो भी अभी एग्जाम है, वो अभी अक्टूबर में होने वाला है। क्या ये सच बात है, क्या ये झूठ है, तो आपको वो वीडियो में सब समझेगा कि ये रियल बात है या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए गाइस। तो अभी आप एक वीडियो क्लिप सुनेंगे, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग है सर का, अजित पाठक सर का और प्रवीण राडे सर का, जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के एग्जाम के बारे में क्या होगा, उनको अभी क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनको क्या प्लान करना चाहिए, अभी उनको कौन सा पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मागणी केली, त्या मागणीला विनंती देऊन, आमच्या शब्दाला मान देऊन तुम्ही आमची मागणी मान्य केली रेल्वे प्रवासासाठी, त्याबद्दल तुमचं पर्सनली व विद्यापीठाचे खूप अभिनंदन व आभार आम्ही मानतो आमच्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रवीण सर, थँक्यू। याच्या आणि दुसरी गोष्ट सर, की फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड इयर साठी काय तुम्ही म्हणजे हे केलंय? नाही, हे बघा सर, आपण माननीय उच्च न्यायालयात हेच सांगितलं होतं की आमची प्रायोरिटी पीजी फायनल इयर एक्झामिनेशन आणि पीजी यूजी फायनल इयर एक्झामिनेशन घेण्याची आहे, आणि अकॉर्डिंगली आपण पीजी फायनल आणि यूजी फायनल इयरच्या एक्झाम्स आता कंडक्ट करत आहोत। म्हणजे पीजी फायनलच्या एक्झाम्स आता संपतच आल्यात, प्रॅक्टिकल एक्झाम काही मोजक्या सेंटर्सवर राहिलेल्या आहेत, त्या कंडक्ट करत आहोत, थेरी असेसमेंट त्याचं चालू आहे, आणि आजपासून यूजी फायनल एक्झामिनेशन आपण सुरू केलेले आहेत। आता फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर अंडर ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांचं पुढच्या वर्षाचं शैक्षणिक सत्र आपण परीक्षेपूर्वीच दिनांक 1 ऑगस्ट 2020 पासून सुरू केलेलं आहे। बरोबर, तर त्यामुळे सद्यस्थितीत आम्ही त्यांची परीक्षा घ्यायच्या सद्यस्थितीत विचारत नाही आहोत। आता माननीय सुप्रीम कोर्टाने 2-3 दिवसापूर्वी सांगितलेलं आहे की अंतिम वर्ष सोडून सुद्धा तुम्ही बाकी वर्षाच्या परीक्षा घेऊ शकता म्हणून, तर त्याच्या बाबतीत आता आम्हाला तो विचार करावा लागेल। परंतु सद्यस्थितीत आमचं अंडर ग्रॅज्युएट फायनल इयर एक्झामिनेशन चालू आहेत, तर आमचं सर्व लक्ष आणि एनर्जी आम्ही अंडर ग्रॅज्युएट फायनल इयर एक्झामिनेशन वरच कॉन्सन्ट्रेट केलेली आहे। मुलांचा गैरसमज झाला। तो गाइज, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का एग्जाम कभी होगा, क्या आप अभी लेने वाले हैं, तो अजित पाठक सर ने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है सभी एमओएचएस के, चाहे आप नर्सिंग हो, बीडीएस हो, बीएचएमएस हो, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, किसी का भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का एग्जाम लेने के बारे में अभी तक एमओएचएस नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम होगा नहीं, और कब ये एग्जाम होगा वो आपको यूनिवर्सिटी से इंटीमेशन दिया जाएगा। आपको जो भी पीरियड है, 20 डेज, 25 डेज या फिर 45 डेज का पीरियड रहेगा, वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम ये महीने के एंडिंग में, मतलब एक दो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो वो सब झूठ है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग सुनेंगे कि कुठल्या तरी प्रोफेसरचा का कोणाचा मेसेज वायरल होतोय की ऑक्टोबर मध्ये त्यांची एक्झाम होणार फर्स्ट, सेकंड, थर्डची। तर मी त्या मुलांना सांगितलंय फोनवर विश्वास ठेवू नका, विद्यापीठ तुम्हाला विद्यापीठ ऑफिशियल पेजवर ऑफिशियल देत जाईल। आणि पहिली गोष्ट सर, की देताना तुम्ही सुद्धा विद्यापीठानं की सांगताना तसंच सांगावं, नाहीतर 45 दिवस नाही दिले तर मुलांचं पण नुकसान। आणि शक्यतो सर होता होईल तेवढं विद्यार्थ्यांच्या फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा या प्रमोट करण्यात याव्यात, ही आमची मागणी आहे। जेणेकरून बरोबर आहे ना, बरोबर आहे, तुमची मागणी आहेच, पहिल्यापासूनच आहे। परंतु आपण काय केलं होतं, ह्या सगळ्या मागण्या ज्या आहेत ना, ह्या रिस्पेक्टिव्ह काउन्सिलला आम्ही पाठवल्या होत्या। रिस्पेक्टिव्ह काउन्सिलने आपल्याला काय सांगितलं की विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक सत्र पुढील वर्षाचं तुम्ही परीक्षा आधीच सुरू करू शकता, परंतु
त्यांना परीक्षा दिल्याशिवाय आणि त्यांचा रिझल्ट जाहीर झाल्याशिवाय त्यांना पुढच्या वर्षात ऑफिशियली प्रमोट करू नका. म्हणून आपण काय करतो आहे की आम्हाला परीक्षा न घेतल्याशिवाय त्यांना प्रमोट करता येणारच नाही. त्यांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहेत, परंतु सद्यस्थितीत आम्ही त्यांच्या परीक्षा घेणार नाही आहोत. आमचं लक्ष संपूर्णपणे फायनल इयर अंडर ग्रॅज्युएट परीक्षेवर आणि फायनल इयर पीजी परीक्षेवरच आहे, कारण त्यांचा निकाल लावून त्यांच्या हातात डिग्री द्यायची किंवा त्यांची इंटर्नशिप सुरू करायची आहे, म्हणजे ते कोरोना योद्धे म्हणून काम करू शकतील, हेच आमचं आहे. आणि फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयरच्या मुलांची अकॅडमिक टर्म आता सुरू झालेली आहे, तर त्यामुळे तसा काही प्रॉब्लेम नाही आहे आपल्याला. विषय आहे का दोन मिनिट. तो गाईज यहाँ पे जैसे की एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रमोट करने के लिए MOHS ने आपको लेटर लिखा था, MCI या फिर CCIMA को लेटर लिखा गया था कि आपको प्रोविजनल प्रमोशन दिया जाए, और यही नहीं इतना ही नहीं लेकिन आपको परमानेंटली प्रमोट किया जाए. लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है वो ऐसा है कि आपको डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जा सकता. सो बेसिकली आपका एग्ज़ाम जो है वो होके ही रहेगा, बट अभी नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम होके रहेगा. तो आप किसी भी हालत में अपना पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है. आप बुक्स अवेलेबल करा के लो, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है अभी आप थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करने को उसका ट्राई करो. मला मान्य आहे, फायनल नाही फायनल इयर बद्दल मला मान्य आहे, बट ठीक आहे ते झालं, आजपर्यंत परीक्षा पण चालू झाली ते पण मान्य. विषय असा कसा झालाय, सेकंड इयर मधून थर्ड इयरला जो विद्यार्थी गेलाय, आता असा विषय की त्यानं थर्ड इयरची म्हणजे लेक्चर चालू केले त्याचा अभ्यास करायचा की सेकंड इयरच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा, हा मोठा प्रश्न आहे. आणि फायनल इयरच्या ऐका, फायनल इयरच्या परीक्षेच्या मुलांचे जे आहेत मुलं, त्याच्यापेक्षा सेकंड मधून थर्ड गेलेले मुलं हे डिप्रेशन मध्ये खूप जाणार, म्हणजे दोन्ही वर्षाचं त्यांना टेन्शन आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही चांगला योग्य तो निर्णय घ्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे. नाही नक्की प्रवीण सर, थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही सुरुवातीलाच प्रोत्साहन. तो जैसे कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि जो सेकेंड टू थर्ड ईयर में जाने वाले हैं या सेकेंड टू फोर्थ ईयर, जिनका भी अभी प्रमोशन हो चुका है, वो लोग ज़्यादा कन्फ्यूज है, वो लोग ज़्यादा डिप्रेस है कि हम लोग अभी करंट ईयर का पढ़े या फिर प्रीवियस ईयर का पढ़े, एग्ज़ाम सबसे पहले कौन सा होगा. तो अभी तो यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि आपको साइमल्टेनियसली पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है. तो सेकेंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी अगर कोई फाइनल ईयर के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हो, तो फाइनल ईयर तक ये वीडियो पहुँचाइए. अगर किसी भी स्टूडेंट का रिपोर्ट एग्ज़ाम के टाइम पे पॉजिटिव आता है और उसे एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, तो मैं नीचे आपको प्रवीण राडे सर का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए. आपका एक साल वेस्ट ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा ट्राई करेंगे, जो भी हमसे हो पाएगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन आपका साल वेस्ट ना हो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी लीजिए. तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ किसी भी अफवाह के ऊपर या किसी भी वायरल मैसेज के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा. जब भी वो मैसेज ऑथेंटिकेट होगा, जब भी वो यूनिवर्सिटी से आएगा, तभी ही उसके ऊपर विश्वास रखिए. तो गाइज थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ़.